रुक करेंगे कानपुर की ओर, तो कानपुर में सोशल मीडिया पर दिखी है अवैध असलह की खेप। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, युवक ने अवैध असलह के साथ फेसबुक पर स्टेटस लगाया है और साथ ही सचिन शूटर के नाम से फेसबुक पर ये आईडी बनी हुई है। कानपुर पुलिस पूरे मामले से अनजान है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर अवैध असलह की जो खेप है वो दिखाई दे रही है और साथ ही हम आपको वो स्टेटस भी दिखा रहे हैं जिसको शेयर किया गया है। युवक ने अवैध असलह के साथ ये फोटो लगाई है सचिन शूटर के नाम से फेसबुक पर, ये आईडी बनी हुई है। हालांकि कानपुर पुलिस पूरे मामले से अनजान है। फिलहाल ये जांच का विषय है, जांच की जा रही है, कानपुर पुलिस इस पूरे मामले से अनजान है, लेकिन ये स्टेटस सामने आने के बाद अब जांच और भी ज्यादा तेजी के साथ की जा रही है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कानपुर पुलिस फिलहाल अब इस पूरे मामले से अनजान दिख रही थी, लेकिन अब जांच किया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे कानपुर से बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर इस स्टेटस को शेयर किया गया है, साथ ही हम आपको ये स्टेटस भी दिखा रहे हैं सचिन शूटर के नाम से फेसबुक पर, यह आईडी बनी हुई है। हालांकि कानपुर पुलिस इस पूरे मामले से अनजान दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवराज साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज, क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बता दें कि सचिन शूटर नाम से एक फेसबुक पे आईडी बनी हुई है, जिसपे कई असलह और कारतूस के साथ युवक ने अपना वीडियो बनाकर फेसबुक पे अपलोड किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसने आईडी बनाई है वो सचिन शूटर के नाम से बनाई है। कानपुर पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चला रही है, हाफ इनकाउंटर कर रही है, लगातार पैर में गोली मार रही है, लंगड़ा प्रहार चला रही है, और जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर पुलिस का भय बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कहीं भी भय जो है वो खत्म हो चुका है पुलिस का, जिसके चलते लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही है। बिल्कुल शिवराज, शुक्रिया आपका तमाम।